नमस्कार, TM24 न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब RSS आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं यूपी में, उसके सहित 5 राज्यों के चुनाव और 2024 में केंद्र पर भाजपा की ताजपोशी की तैयारी के लिए या अन्य दलों की तरह चोला बदल रही है क्या, गौर कीजिएगा। चित्रकूट में संघ की बैठक के समापन के बाद हुए ऐलानों से तो ऐसा संकेत मिल रहे हैं। गौर करने की बात है कि जब भाजपा के दूसरे दल संघ के कट्टर हिंदुत्व को मिलती सफलता देखकर सॉफ्ट हिंदू की राह पर आ रहे हैं, गौर कीजिएगा, वो हिंदुत्व की राह पर आ रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो RSS और BJP का हिंदुत्व एजेंडा है उसकी वजह से, और ऐसे में संघ का मुस्लिम की ओर झुकाव भाजपा को भी परेशानी में डाल ही सकता है, गौर कीजिएगा। विरोधी दलों को भी चिंता में डाल रहा है। चित्रकूट में चल रही बैठक मंगलवार को समाप्त हो गई। बैठक में संघ उस मास्टर प्लान का खाका तैयार करने में जुटा था जिसके आधार पर भाजपा और केंद्र को आगे बढ़ना है। साथ ही संघ ने मुस्लिम समुदाय को लेकर भी अपना नजरिया बदला है, गौर कीजिएगा, और अब उन्हें अपनी विचारधारा के साथ जोड़ने की दिशा में अहम फैसले लिए हैं। चित्रकूट शिविर में कोरोना काल में संघ के बंद पड़े कार्यक्रम के साथ संघ की शाखाओं को फिर से शुरू करने का ऐलान किया गया। यही नहीं, अब संघ के कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचेंगे। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के बीच भी अपनी पैठ जमाने के अहम फैसले लिए गए हैं, गौर कीजिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ में हिंदुओं के साथ मुस्लिम लोगों को जोड़ने पर जोर दिया है। इसके लिए मुस्लिम बस्तियों में शाखाएं खोलने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने चित्रकूट में बैठक शुरू होने के ठीक पहले बयान दिया कि सभी हिंदू और मुसलमान भारतीयों का DNA एक है। ये चर्चाएं काफी हुई, आप लोगों ने सुना होगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हिंदू और मुसलमानों को एक होकर काम करना पड़ेगा। वहीं संघ प्रमुख अब मुस्लिमों को साथ जोड़ने और उनके बीच शाखाएं खोलने के दिशा निर्देश से साफ है जो वो दे रहे हैं कि संघ मुसलमानों को अपनी विचारधारा से जोड़ने की तरफ कदम बढ़ाने जा रहा है। हालांकि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नामक संगठन देश के मुसलमानों को संघ के करीब लाने का काम कर रहा है, एक संगठन है। संघ इस संगठन को आधिकारिक मान्यता नहीं देता है लेकिन इस पर नजर जरूर रखता है। संघ के तत्कालीन प्रमुख KS सुदर्शन की मदद से संघ के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को स्थापित किया है। संघ मुसलमानों को इस संगठन के साथ जोड़कर गलत फहमियों को दूर करने का काम कर रहा है, लेकिन अब पहली बार है कि जब संघ सीधे तौर पर मुसलमानों को साथ जोड़ने की दिशा में कदम उठाने जा रहा है। चित्रकूट में प्रचारकों की बैठक में संघ ने मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की दिशा में फैसला लिया। ऐसे में अगर मुस्लिम समाज के लोग संघ से जुड़ते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे, दूर तक आप सोच सकते हैं, इसमें भाजपा के पक्ष में दिखेंगे। मौजूदा दौर में भाजपा को हिंदू वोटरों का साथ मिल ही रहा है लेकिन मुस्लिम समाज का बड़ा तबका भाजपा से दूरी बना रखे हुए ये आप लगातार गौर कीजिएगा। मुस्लिम समाज बहुत दूरी बनाया हुआ, वो खुल के सामने भी आता है इस पक्ष में। मुस्लिम वोटरों को नजदीक लाने के लिए भाजपा ने कोई भी ठोस योजना तैयार नहीं की है लेकिन इस दिशा में अब संघ कार्य योजना तैयार करते हुए दिख रहा है। बता दें कि संघ देश के करीब 12.70 करोड़, आप ऐसे देख सकते हैं 12.70 करोड़ परिवारों से भी जुड़ेगा। उन्होंने अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण में अधिक योगदान दिया है। जो भी लोग हम आप जो भी आप गिन सकते हैं जिसने भी आर्थिक योगदान दिया है उससे संघ जुड़ेगा। संघ का मानना है कि जो परिवार या व्यक्ति राम मंदिर निर्माण के लिए 1 रुपए का भी योगदान देता है वह किसी न किसी रूप में हिंदू की विचारधारा से प्रभावित होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संघ इस परिवारों और लोगों के बीच अपने वैचारिक विस्तार की संभावनाओं को देख रहा है। इसके साथ ही संघ जल्द ही अभियान चलाकर इन परिवारों से संपर्क कर उन्हें किसी न किसी तरह से जोड़ने का प्रयास करेगा। संघ प्रमुख जो हैं मोहन भागवत ने भी जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात कर अहम मुद्दे पर उनके सुझाव लिए।
देखिए ये सब मुद्दे उठे। सूत्रों के अनुसार तुलसी पीठ के संस्थापक राम भद्राचार्य ने संघ प्रमुख को गुरु मंत्र दिए। इसमें धन परिवर्तन पर प्रतिबंध और जनसंख्या नियंत्रण पर कानून भी शामिल है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो मुस्लिम को जोड़ने वाली बात है आरएसएस की ओर से एक अनोखी पहल है। इसको आप मान सकते हैं कि एक अनोखी पहल है। इसके आगामी दुर्गामी और आने वाले समय में क्या परिणाम होते हैं ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। कल फिल्म मिलेंगे नए मुद्दे के साथ।